आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। क्या है इस साल धनतेरस पर पूजन एवं खरीदारी का शुभ मुहूर्त? दिवाली आरंभ होती है धनतेरस पर्व से, इसके संबंध में जानिए विस्तार से। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। हर साल कार्तिक माह में 5 दिवसीय दिवाली महोत्सव का इंतजार सभी को बेसब्री से रहता है। 5 दिनों में पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन नरक चौदस, तीसरे दिन बड़ी दिवाली, चौथे दिन अन्नकूट एवं गोवर्धन पूजन एवं अंतिम दिन यम द्वितीया पर भगवान चित्रगुप्त का पूजन एवं भाई दूज मनाया जाता है। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय माता लक्ष्मी एवं हरिओम तत्सत लिखना न भूली। सबसे पहले जानते हैं धनतेरस के बारे में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि मंगलवार 29 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी तिथि के नाम से ही जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। हिंदी में धनतेरस एवं संस्कृत में इसे धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। वह पहला दिन है जो भारत के अधिकांश हिस्सों में दिवाली के त्योहार के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अमान परंपरा के अनुसार अश्विन या पूर्णिमान परंपरा के अनुसार कार्तिक माह के अंधेरे पखवाड़े, जिसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है, के 13वें चंद्र अर्थात त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी महाराज की पूजा की जाती है, जिन्होंने मानव जाति की भलाई के लिए आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया और इसे बीमारी व्याधियों की पीड़ा से छुटकारा दिलाने में मदद। भारतीय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने के अपने निर्णय की घोषणा की, जिसे पहली बार 28 अक्टूबर 2016 को मनाया गया। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसकी कहानी क्या है। इस दिन से चिकित्सा विज्ञान का किया था प्रचार। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। इस दिन घर के द्वार पर 13 दीपक जलाए जाने की प्रथा है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है। दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में ब्राह्मण महिलाओं के द्वारा धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी की पूर्व संध्या पर मरुंडू, जिसका अर्थ है दवा, बनाती है। मरुंडू को प्रार्थना के दौरान चखाया जाता है और नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले खाया जाता है। कई परिवार अपनी बेटियों और बहुओं को दवा की रेसिपी अर्थात दवा बनाने की विधि को सौंपते हैं। शरीर में त्रिदोषों के असंतुलन को खत्म करने के लिए मरुंडू का सेवन किया जाता है। वहीं मध्य भारत में धनतेरस के अवसर पर सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन, झाड़ू आदि खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपनी क्षमता के अनुसार सोना, चांदी, बर्तन आदि की खरीदारी करते हैं, क्योंकि इस दिन सोना और कोई बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। आमतौर पर गुजराती परिवार नए साल का जश्न मनाने के लिए दाल भात और मालपुआ का आनंद लेते हैं। जानिए किस लिए मनाया जाता है धनतेरस का पर्व। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे,
इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी दो दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। जानिए धनतेरस कब है और पूजा का शुभ समय क्या है। इस बार त्रयोदशी तिथि की शुरुआत मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:34 पर होगी, जिसका समापन बुधवार 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:17 पर होगा। वहीं धनतेरस पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की शुरुआत मंगलवार 29 अक्टूबर शाम 6:31 से 8:13 तक रहेगा। इस तरह धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, गणेश और कुबेर जी की पूजा के लिए कुल 1 घंटा 41 मिनट का समय मिलेगा। अब जानिए धनतेरस 2024 पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त के बारे में। धनतेरस के दिन पूजा पाठ के साथ ही खरीदारी का भी विशेष महत्व है। इस दिन लोग सोना, चांदी और बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं। इस बार 29 तारीख को 10:34 के बाद से अगले दिन दोपहर 1 बजे तक खरीदारी कर सकते हैं। यह समय दिल्ली के अनुसार है, आप अपने स्थानीय समय के अनुसार इसे घटा बढ़ा सकते हैं। धनतेरस के अवसर पर 3 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। जानिए पहला खरीदारी का मुहूर्त। धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करना मंगलकारी माना जाता है। यह योग सुबह 6:32 से आरंभ होकर अगले दिन तक 10:30 पर रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी करने से चीजों में 3 गुना वृद्धि होती है। अब जानिए दूसरा खरीदारी का मुहूर्त। धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त का भी संयोग बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। यह मुहूर्त 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। इस बीच में खरीदारी कर सकते हैं। अब जानिए तीसरा शुभ मुहूर्त। यह शुभ मुहूर्त संध्या 6:36 से अगले दिन प्रातः 8:32 तक रहेगा, जो प्रदोष काल का है। इनमें से यह मुहूर्त सबसे उत्तम और शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, मृत्यु के देवता यमराज और कुबेर जी की पूजा होती है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा अर्चना करने से जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती और भगवान धन्वंतरी की आराधना करने से रोग से मुक्ति मिलती है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाए जाने का विधान है। साथ ही इसी दिन देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई थी, यही वजह है इस दिन धन्वंतरी जयंती भी मनाते हैं। हरि ओम। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय माता लक्ष्मी एवं हरिओम तत्सत लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा ना माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।